तो बच्चों, परमाणु संरचना के मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। और इसी रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या स्वर्णपन्नी प्रयोग भी कह सकते हैं, या स्वर्णपन्नी प्रकीर्णन या स्वर्णपन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया तो इन्होंने एक सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी, और इस पन्नी की मोटाई थी वो लगभग ली 100 nm, 100 nm, यानी nm लिखा है, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर बहुत ही छोटी इकाई है। और 100 nm को लिख सकते हैं 10^-7 m। तो एक सोने की पन्नी ली जिसकी मोटाई कितनी थी, 100 nm या 10^-7 m, ठीक है। और इन्होंने अल्फा कण लिए, एक बॉक्स के अंदर क्या लिए, अल्फा कण, और ये अल्फा कण थे ये हीलियम के नाभिक के बने हुए थे, हीलियम के नाभिक के, ठीक है। और इन कण पर जो चार्ज था वो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेश था इन पर। तीसरी बात कि एक पर्दा लिया और इस पर्दे के ऊपर एक पदार्थ का लेप किया जिस पदार्थ का नाम था जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ZnS, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली, अल्फा कण लिए जो हीलियम के नाभिक के बने थे, और एक पर्दा था जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप किया। यानी ये जो जिंक सल्फाइड होते हैं, ये जिंक सल्फाइड से जब ये अल्फा कण टकराएंगे तो यह चमक उत्पन्न करेगा। जिंक सल्फाइड एक प्रदीप्त उत्पन्न करेगा या एक चमक उत्पन्न करेगा। तो बच्चों, इन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग के अनुसार कि जब इन हीलियम कणों की या इन अल्फा कणों की बौछार एक स्वर्ण पन्नी पर करवाते हैं, इससे अल्फा कण निकलते हैं, इन अल्फा कणों की बौछार एक किस पर करवाते हैं, स्वर्ण पन्नी पर कराते हैं, ठीक है। तो ये बीच में जो रखा है ना, ये तो है स्वर्ण पन्नी, ठीक है, और ये वो पर्दा है जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड का क्या किया है, लेप किया है, ठीक है। और यो ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर अल्फा कण है, ठीक है। तो जब इन अल्फा कणों की बौछार इस पन्नी पर करवाते हैं या इन अल्फा कणों की बमबारी सोने की पन्नी पर करवाते हैं, तो रदरफोर्ड कुछ निष्कर्ष प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वो देखते हैं कि जब इस सोने की पन्नी पर अल्फा कण टकराते हैं तो एक नंबर बात है कि कुछ अल्फा कण सीधे चले जाते हैं, यानी जहाँ से कणों की बौछार करवाई वहाँ से सीधे जाते हैं, और मानो यहाँ से बौछार करवाई तो ये सामने चमक उत्पन्न कर रहे हैं, जिस एंगल से जा रहे हैं उसी एंगल से सामने की ओर चमक उत्पन्न कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कुछ कण क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि कुछ कण या कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, पथ से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं,
या कुछ कण अल्फा, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण 180 डिग्री से विक्षेपित हो रहा था, 180 डिग्री से विक्षेपित हो रहा था, यानी जिस कोण से उस कण की बौछार करवाते हैं तो वह उसी दिशा में वापस आ जाता है। यानी इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। मानो ये सोन पन्नी के परमाणु हैं, ठीक है, तो ये बीच वाला भाग, तो कुछ कण तो इस प्रकार से क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, कुछ कण क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ कण पथ से क्या हो रहे हैं, विचलित, तो वो पथ से इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। लेकिन 20,000 में से जो कण एक था वो यहाँ बीच वाले भाग से टकराता है और वापस है, जिस दिशा से आया है उसी दिशा में चला जाता है। यानी ये जो कण है ये 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो रहा है, ठीक है, और ये कण क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, और ये कण थोड़ा सा क्या होता है, विक्षेपित होता है। तो ये चीज़ रदरफोर्ड ने देखी थी, प्रेक्षण किया था, ठीक है, और ये प्रेक्षण करने के बाद रदरफोर्ड कुछ निष्कर्ष निकालेगा कि ये कण सीधे क्यों जा रहे हैं, ये कण विचलित क्यों हो रहे हैं, और ये वापस क्यों आ रहा है। तो बच्चों, इन्होंने सबसे पहले जो निष्कर्ष निकाले, उस निष्कर्ष के अंदर एक नंबर निष्कर्ष कि जो कण सीधे जा रहे हैं, जो कण क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, उनके लिए कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग अनावेशित है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, अनावेशित है, और अनावेशित होने के कारण ये कण क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, कण क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि परमाणु में धनावेश है, वह धनावेश एक जगह एकत्रित है। यानी इन्होंने कहा कि जो धनावेश है वो परमाणु के बीच में है, और इस धनावेश के बीच में होने के कारण कण क्या हो रहे हैं, अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, अपने पथ से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। एक बात ध्यान में रखते हैं, आपको पता ही होगा शायद कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये कैसे आवेश है, ये भी पॉजिटिव समान आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर विपरीत आवेश हो, जैसे ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन समान हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमें पता है कि जो हीलियम के नाभिक के कण लिए थे वो कण कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज के थे, यानी धन आवेश था, और रदरफोर्ड ने क्या कहा कि बीच में क्या है, धन आवेश है, और इस के अंदर धनावेश यानी पॉजिटिव कण है, और जो अल्फा कण लिए थे उस पर भी कैसा आवेश था, पॉजिटिव आवेश था, तो यानी जो ये कण विचलित हो रहे हैं, ये कण क्या हो रहे हैं, विचलित, तो वो इस धन आवेश वाले भाग के संपर्क में आते हैं, तो ये समान आवेश के कण भी पॉजिटिव आवेश का धन आवेश है, और बीच में भी क्या है, धन आवेश, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं,
प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो सीधा टकराएगा इससे कण है तो उस पर धनावेश, बीच में भी धनावेश हो ये उसको वापस उसी दिशा में यानी 180 डिग्री के कोण से वापस भेज देता है। इस प्रेक्षण को हम बच्चों इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो कांच की गोलियां आती है ना वो खेलते हैं, तो वो खेलते हैं तो सामने एक गोली है और जो बच्चा इस गोली को यदि इसके पास एक गोली है तो जब इसे मारेगा तो तीन स्थितियां बन सकती है, या तो ये गोली सीधी चली जाए, ठीक है, एक नंबर स्थिति क्या बनती है कि अगर ये इसको मारेगा इस बड़ी वाली गोली को या तो ये सीधी चली जाएगी गोली, इसके संपर्क में ही नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि ये इसके ऊपर थोड़ा सा टकराएगी और अपने पद से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। लेकिन एक स्थिति ये भी बनती है कि अगर इस प्रकार सीधा मारेगा तो वापस उसी दिशा में भी आ सकती है। तो इस प्रेक्षण को हम इस कांच की गोली के द्वारा भी समझ सकते हैं, यानी कोई बच्चा इस प्रकार से आगे जो गोली रखी है उस पर गोली मारेगा तो या तो सीधी चली जाएगी या उससे थोड़ा सा टकराएगी और अपने पद से क्या हो जाएगी, विचलित, या फिर ऐसा होगा कि टकराएगी और टकराने के बाद वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रेक्षण को हम इस प्रकार इस गोली द्वारा भी समझ सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने बताया कि ये जो धन आवेश है यानी परमाणु के बीच में क्या है, धन आवेश है, इस धन आवेश का नाम क्या दे दिया, नाभिक। क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। किन्होंने की, रदरफोर्ड ने। तो ये याद रखना कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और इस नाभिक का आकार, इस नाभिक का आकार, ठीक है, इस नाभिक का आकार बताया 10^-15 मीटर, यानी लगभग परमाणु के आकार के बराबर होता है, यानी परमाणु की त्रिज्या इन्होंने बताई 10^-10 मीटर, ये किसकी त्रिज्या है, परमाणु की, ठीक है। और ये आकार किसका है, नाभिक का। और बच्चों याद रखना इस तीसरे पॉइंट में बताया इन्होंने कि जो धन आवेश है, जो धनावेश है, इस धनावेश का आयतन, धनावेश का आयतन की बात कर रहा हूं, तो ये धन आवेश का आयतन है ये परमाणु के कुल आयतन, परमाणु के कुल आयतन से बहुत कम होता है, बहुत क्या होता है, कम होता है। तो तीसरी बात हमने देखी कि जो धन आवेश है, इस धन आवेश का जो आयतन है वो परमाणु के कुल आवेश से या कुल आयतन से, आवेश से नहीं, आयतन से बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड ने क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले, ठीक है। और इन्हीं निष्कर्ष के आधार पर जब रदरफोर्ड कुछ सिद्धांत देता है या कुछ नियम देता है या कुछ उपयोगी बातें बताता है, तो इस रदरफोर्ड के प्रतिरूप से कुछ उपयोगी बातें, जिनमें से एक नंबर, इन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश इस नाभिक में स्थित होता है या नाभिक में होता है, नाभिक में होता है। यानी एक नंबर बात बताई सिद्धांत के अंदर कि परमाणु का जितना भी धन आवेश है वो किस में होता है, नाभिक में होता है, यानी नाभिक है, इसी नाभिक के अंदर जो धन आवेशित कण होते हैं प्रोटॉन वो किस में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। और आयतन की बात करें या इसका भार की बात करें तो भार हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, या उनकी संख्या को जोड़ते हैं तब निकलता है, तो परमाणु भार इस नाभिक पर ही डिपेंड करता है, किस पर करता है, नाभिक पर, यानी इस परमाणु का जितना भी परमाणु भार होता है वो इस नाभिक में होता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर
वर्ताकार पथ में, वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। और इन वर्ताकार पथ को ऑर्बिट या कक्षा कहा। इन वर्ताकार पथ को क्या कहा? ऑर्बिट या कक्षा। यानी कहा कि बीच के अंदर धनावेश है, यह धनावेश एकत्रित है जिसका नाम नाभिक बताया, और इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि परमाणु क्या है? सही में विद्युत रूप से उदासीन है, विद्युत रूप से उदासीन है। ठीक है। तो तीन नंबर बात क्या बताइए कि जिस प्रकार कि इस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? प्रोटॉन है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या है? उदासीन है। ठीक है। और इस नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है। और प्रोटॉन के साथ क्या है? न्यूट्रॉन भी है। इसीलिए तो इस परमाणु का जो भार होता है, परमाणु भार, वो किस में एकत्रित होता है? नाभिक। यानी परमाणु भार किस पर डिपेंड करता है? नाभिक पर। या नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो जोड़ होता है वो परमाणु भार होता है। तो ये संपूर्ण का संपूर्ण परमाणु भार किस में स्थित होता है? नाभिक में होता है। तो ये डोल्टन का प्रतिरूप था। ठीक है। तो ये प्रतिरूप बच्चों इतना कठिन है कि एक 14 इंच के तोप पर जो टिश्यू पेपर की गोलियां हैं उसकी बौछार कर रहे। ठीक है। और यह इस सिद्धांत को समझने के लिए इन्होंने कहा कि हमें पता है कि जिस प्रकार सूर्य बीच में क्या है? सूर्य। ठीक है। और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार इस नाभिक में के चारों ओर जो वर्ताकार पथ है उनके अंदर कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। यानी नाभिक को सूर्य मान ले और जो इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उनको क्या माने? इलेक्ट्रॉन माने। तो इस सिद्धांत को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं बच्चों कि रदरफोर्ड ने प्रयोग किया तो सोने की क्या ली? एक पन्नी ली जिसकी मोटाई कितनी थी? 10^-7 मीटर या 100 नैनोमीटर। हीलियम के क्या लिए? अल्फा कण लिए जिन पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज था और एक पर्दा था जिसके ऊपर किसका लेप किया था? जिंक सल्फाइड का लेप किया था। ठीक है। और जब इन्होंने इन अल्फा कणों की बौछार इस स्वर्ण पन्नी पर करवाई तो उन्होंने देखा कि कुछ कण क्या जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। कुछ कण कैसे जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। कुछ कण अपने पथ से क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं। लेकिन 20,000 में से लगभग 20,000, ऐसा फिक्स नहीं था कि 20,000 वही कणों, लगभग 20,000 में से एक कण वापस क्या रहा था? उसी दिशा में आ रहा था या 180 डिग्री के कोण से क्या हो रहा था? विक्षेपित हो रहा था। ठीक है। तब ये निष्कर्ष निकल लिया कि जो कण सीधे जा रहे हैं, जो कण है सीधे जा रहे हैं, इससे ये इस बात साबित होती है कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो अनावेशित है, यानी वहां पर कोई आवेश नहीं है, इसीलिए वो कण क्या जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। लेकिन जो ये इस प्रकार थोड़ा सा मुड़ रहा है या थोड़ा सा विक्षेपित हो रहा है, 180 डिग्री के कोण से क्या हो रहा है? विक्षेपित हो रहा है। इनके लिए कहा कि बीच में एक ऐसी जगह है जिसमें संपूर्ण धनावेश एकत्रित है और इस धनावेश के संपर्क में जो कण आता है वो अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। ठीक है। और तीसरी बात क्या कही कि इस धनावेशित का नाम क्या बता दिया? नाभिक। और इस नाभिक का आयतन, यानी नाभिक में धनावेश है तो यानी इस धनावेश का आयतन जो परमाणु का कुल आयतन होता है उससे बहुत कम होता है। इन्होंने परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10^-10 मीटर और इसी के आकार का लगभग बराबर ये 10^-15 मीटर त्रिज्या का क्या बताया? नाभिक बताया।
और यह सब निष्कर्ष निकालने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें या सिद्धांत देगा जिससे हमें पता चलता है। देखो एक नंबर की परमाणु का जो नाभिक धनावेश है वो किस में स्थित है, नाभिक में स्थित है, यानी इसके अंदर प्रोटोन है वो किस में है, नाभिक में। और साथ में ये भी पता चलता है इसी सिद्धांत से कि न्यूट्रॉन भी किस में है, नाभिक में। तो यानी संपूर्ण परमाणु भार किस में स्थित है, नाभिक में स्थित है। यानी परमाणु भार कहाँ होता है, नाभिक में होता है, ठीक है। दूसरी बात कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, और इन वर्ताकार पथ को क्या कहा, कक्षा या ऑर्बिट। और बताया कि परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस बात से पता चलता है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। इस दो नंबर बात को हम वो सूर्य वाले उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मांड के अंदर सूर्य एक आधार माना गया है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार अगर इस नाभिक सूर्य को नाभिक माने और ग्रह को इलेक्ट्रॉन माने तो इस परिकल्पना को हमें समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों पता ही है कि जो भी सिद्धांत या परिकल्पना होती है उसके बारे में कुछ दो चार बातें ऐसी होती है जिनकी व्याख्या वो सिद्धांत नहीं कर पाता है। तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, किसके स्थायित्व की व्याख्या, परमाणु के स्थायित्व की, या परमाणु स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया है। ये इसकी एक नंबर क्या थी, कमियां थी कि परमाणु का स्थायित्व कैसा होता है, अणु कैसे बनाते हैं, ठीक है, परमाणु अकेला पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, इस प्रकार से इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन की सही संरचना नहीं बता पाया, या इलेक्ट्रॉन के बारे में सही से नहीं बता पाया, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं कि एक वैज्ञानिक था, आगे पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल में मैक्सवेल का प्रतिरूप, कि जिस प्रकार के अगर ये इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, यानी इन्होंने कहा कि वर्ताकार पथ में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, अगर चक्कर लगाता रहेगा तो अंत में कहाँ समा जाएगा, नाभिक में, तो इस प्रकार इस परमाणु का अस्तित्व क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन ये परिकल्पना सत्य नहीं होती है क्योंकि इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता, ठीक है बच्चों। तो ये लिख लेना और उम्मीद है कि आप पढ़ते होंगे घर पर और ये वीडियो पसंद आया होगा।